काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये गांजा वगैरह पीते हैं, वो कर देंगे, अरे गांजा पिया अगर उससे मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, कुछ नहीं कि थ्योरी खराब है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गजेड़ी लोग होते हैं ना, तो उनका कहना ये रहता है कि आप जो है वो फूकना शुरू, देखो साइंटिस्ट लोग भी फूकते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट कभी नहीं, उनसे एक्टिविटी में कभी रहना ही नहीं। बोलते हैं सर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वगैरह। तो ये बोलते हैं कि हम लिखने के बाद क्या होता है, इंसान स्लो हो जाता है इन सब चीजों से। और दूसरी बात, जैसे कि शिवजी को लेकर वो बोलते हैं कि प्रसाद है, कभी नहीं। शिवजी के उस प्रसाद की आप बात कर रहे हो, बट उनके मेडिटेशन उसकी कोई बात ही नहीं करता। और आज जनरल स्टडीज की क्लास के लिए लेके आया ना, ठीक है। तो आज से जनरल स्टडीज की क्लास में नोट्स जो है वो हम लोग बिल्डअप करेंगे। और एक और खुश है अपना पब्लिकेशन से रिलेटेड कि किट जो है वो मतलब आज मैं फाइनल जो है वो कर दूंगा किट को, और बहुत ही जल्दी किट जो है वो रेडी हो जाएगी। क्या चीज बोल रहे हो, क्यों नहीं, ऑब्वियस फ्री थोड़ा ना, इंक्लूडेड है। फ्री मत बोलो, डोंट यूज द वर्ड फ्री, फ्री में कुछ नहीं होता जिंदगी में। जहां फ्री यूज करना शुरू कर दोगे वहां गेम ओवर। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, अभी नहीं लिखना, करंट अफेयर्स में नहीं लिखना, करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ जाएगी, जो भी अगर इंपॉर्टेंट लगे तो वो लिखना चाहो तो वो लिख लेना। क्या हुआ, क्या हुआ, ये वाली इसको पढ़ के क्या करो, पीडीएफ तो आ जाएगी, पता तो है, ठीक है। चलो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, आज की डेट में बिहार सरकार जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को डिमांड कर रही है। तो हम दो चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक स्पेशल स्टेटस और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यूपीएससी आपसे पूछेगी, इसको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई थिंक कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज बता दीजिएगा। फिर नेपोलियन का एक संबंध था इजिप्ट से रिलेटेड, नेपोलियन इजिप्ट को कभी भी इन्वेट जो है वो नहीं कर पाया, यानी कि उसके ऊपर कब्जा जो है वो नहीं कर पाया, तब से इजिप्टोलॉजी करके एक टर्म जो है वो सामने आया, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ये आपके जीएस पेपर वन के अंदर इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। फिर एक भारतीय साक्ष्य बिल, ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया था, भारतीय साक्ष्य बिल का, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये इसका नाम जो है वो चेंज करके भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो नाम रखा गया है। इसमें बेसिकली कुछ इश्यूज जो है वो सामने आए प्रिविलेज कम्युनिकेशन को लेकर, तो इसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे कि ये है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, आज की डेट में जजेस का रिक्रूटमेंट कौन करती है, कोलेजियम सिस्टम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोलेजियम सिस्टम होता है, उनका खुद का सिस्टम, जिस सिस्टम के बारे में ना कोई कानून में लिखा हुआ और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बनाया है कॉलेजियम सिस्टम। तो उसको हटाकर रिकमेंडेशन दिया गया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो लाया जाए, हालांकि आई डोंट थिंक जुडिशरी इसको जो है वो एक्सेप्ट करेगी कभी भी। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिल्क यारा टनल कोलैप्स इंसिडेंट एक हम लोग को डिजास्टर का देखने को मिला था, तो ये आपका टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3। देन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया था, ज्योग्राफी के भी जीएस की क्लास आई थी, तो उसमें अर्थक्वेक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, अर्थक्वेक जो है वो कैसे होता है, क्यों होता है अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती है। तो हमने डिस्कस किया था कि काफी सारी वेव्स निकलती है, पी वेव्स, एस वेव्स, आपने शायद सुना होगा, बॉडी वेव्स, राइट, तो एल वेव्स जो हमने डिस्कस किया था, तो काफी सारी वेव्स होती है, प्राइमरी वेव्स वेव्स होती है, सेकेंडरी वेव्स होती है, राइट, लव वेव्स होती है। तो हमने जो है वेव्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड एक और वेव्स हम लोग को सामने नजर आ रही है, अकूस्टिक वेव्स। तो ये अब एक एक्स्ट्रा चीज है वो इसके अंदर शामिल कर लेना, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो क्या होता है, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स आपस में लिंक है, आपको जनरल स्टडीज पढ़ना है, फिर साथ ही साथ करंट अफेयर्स को साथ में रखते हुए चलना है, और जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स में मिलते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स में हम यूज नहीं पढ़ते, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा पैटर्न आराम से आपने देखा होगा पैटर्न करंट अफेयर्स का, कि हम करंट अफेयर्स में क्या चीज कवर अप कराते हैं, जो न्यूज तो हम कवर करते हैं, पता है कि न्यूज ये है, राइट, बट उस न्यूज के अंदर इनडेप्थ में घुसी हुई चीजें क्या क्या है, क्योंकि वही चीज आपसे सिविल सर्विसेज पूछेगा। जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सिर्फ न्यूज पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, न्यूज पढ़ के आगे बढ़ना नहीं है। प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन एक जेनेटिक चीज हम लोग को जो है वो नजर आई है, एक रिसर्च हम लोग को नजर आई है ग्रीन लीफ वोलेटाइल करके, जिसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्जेंटीना का डॉलराइजेशन. अर्जेंटीना कंट्री कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, कहां पर अर्जेंटीना? तुरंत जैसी कंट्री का नाम देखो तुरंत मैप की तरफ जाना चाहिए, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना. यहां पर हम लोग को जो है कंट्री जो है नजर आती दिख रही है. तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है कि अब अपनी करेंसी को डॉलर बना देगी, इसकी लोकल करेंसी को ये डॉलर जो है वो बना देगी. इससे पहले इक्वाडोर ने भी ऐसा किया था. क्यों करती है ऐसा कंट्री, वो हम इसके अंदर जो है वो समझेंगे. न्यूज तो ये आई कि अर्जेंटीना डॉलराइजेशन का काम करी, दैट इज न्यूज. बट हमें ये चीज समझनी है यूपीएससी के लिए कि भाई क्यों डॉलराइजेशन, क्यों, क्या प्रॉब्लम थी अर्जेंटीना में कि वो अपनी करेंसी को डालकर डॉलर्स को लेकर आ रही है. फिर आज की डेट में आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन से काफी ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो रिलीज होता है, तो हम डीकार्बनाइजिंग जो है वो करेंगे, उससे रिलेटेड एक इनिशिएटिव है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फिर एक प्रोजेक्ट क्यू, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो काफी ज्यादा, काफी सारे लोग जो है वो कर रहे हैं, अपोज जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय, जैसे इलॉन मस्क का आपने एक इंटरव्यू शायद देखा होगा कि उसने बोला था कि AI इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, उसने बिल्कुल क्लियरली वो कही थी, और ये बात सच भी है, क्योंकि वो अब आज की रेट में हम अपने मेंटल पावर से जो है वो जानवरों को कब्जा कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं. अब हमने एक AI बना दिया, AI हमसे ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, राइट. हालांकि आपको एक और चीज बता दें, जैसे चैट जीपीटी बोलते हैं कि आज की डेट में जो पूछोगे वो कर लेगा, बट यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया चैट जीपीटी. बट हाँ, ये चीज तो हमारे मजाक वाली नहीं, कहने वाली बात है, वो नहीं कर पाया, बट आगे जाके शायद कर ले, क्योंकि वो अपने आप को रीडेवलप जो है वो करता रहता है. उसके अंदर एक टेक्निक है जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं कि वो खुद से जो है वो रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी, कि वो खुद से सीखता है और खुद से आगे बढ़ता है. जैसे ह्यूमन से, ह्यूमन खुद से सीखते हैं, मेंटल पावर को अपने स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, राइट. दैट इज एंड ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो. ब्यूरोक्रेसी क्या है भाई, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप IAS क्यों चुनना चाहते हो, IPS क्यों चुनना चाहते हो, तो एक आंसर हमेशा अपने इंटरव्यू में ये चीज रखना, मेंटल स्ट्रेंथ, या मतलब आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी, मतलब ये ऐसी सर्विस है जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी. दैट्स व्हाई आई वांट टू चूज दिस सर्विस. ये आंसर में हमेशा ऐड करना. क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन भाई, ह्यूमन का अगर हम बात करें हिस्ट्री से, भाई सबसे पहली चीज तो आप उस बोर्ड के सामने बैठे हुए, और आप ऐसा ह्यूमन जाकर उसके सामने बैठे हो, तो आपको ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पूरा बता दो. ह्यूमन क्या करता है, अर्ली मैन से लेकर अभी तक मॉडर्न मैन तक ह्यूमन ने अपने आप को वो क्या किया, ट्रेन किया, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाई और आगे बढ़ा. तो एक ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से हर एक ह्यूमन की मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ाना उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो जब आप ये आंसर दोगे, उस आंसर को सपोर्ट करना कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो हमेशा इंप्रूव करते रहना है, स्ट्रॉन्ग करते रहना है. क्योंकि देखो प्रोग्रेसिव इंसान कौन होता है, ये GS4 एथिक्स का टॉपिक है. प्रोग्रेसिव इंसान, एक प्रोग्रेसिव इंसान वो होता है कि जो अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा एनहांस करते रहे, बढ़ाता रहे. दैट इज इंपॉर्टेंट. ग्रीस, ग्रीस कहां पर है मैप में, मेडिटेरेनियन सी कहां पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर देखो एक खाली से हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मेडिटेरेनियन सी. यहीं पर ही आप देखें ग्रीस आपको जो है वो नजर आएगी यूरोप के अंदर. और यूके, यूके कहां पर है, यूरोप में टॉप वाले हिस्से में देखिए नॉर्थ वेस्ट, तो आपको यूके जो है वो नजर आएगी. तो ग्रीस और यूके के बीच में एक लफड़ा चल रहा है, इस पेंटिंग को लेकर जो है वो लफड़ा चल रहा है, स्कल्पचर मूर्ति इसको लेकर. तो ये क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे. फिर मैन द हंटर, हमेशा आपने ये चैप्टर्स वगैरह में सुना होगा हिस्ट्री के, मैन द हंटर, पुरुष जो है वो हंट करता है. इस थ्योरी को जो है वो चैलेंज कर दिया है, और इस थ्योरी को ये पेपर वन और पेपर थ्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेसिकली हार्मोन होता है एस्ट्रोजेन करके, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है जो एक्टिविटी को जो है वो एनहेंस करता है. तो इसलिए इस थ्योरी को जो है वो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट रिसर्चर ने जो है वो चैलेंज किया हुआ है. तो ये सब आज के टॉपिक है करंट अफेयर्स के, जो हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. दीपेंद्र क्या हो, दीपेंद्र नहीं आया, मैसेज ड्रॉप कर दो, बस कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं. चलो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये क्या चीज है ये आपको समझना है. बिहार के अंदर इसकी डिमांड जो है वो चल रही है, ये एक न्यूज थी. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा, तो ये क्या है. तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि एक बेसिकली आप कह सकते हैं एक विशेष मान्यता, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन, यानी किसी स्टेट को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो. पहला पॉइंट ये एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन है. कौन प्रोवाइड करा रहा है, सेंटर, केंद्र सरकार जो है प्रोवाइड करा रही है. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये स्टेट्स की हेल्प करता है. किस प्रकार की हेल्प करता है स्टेट्स को, जो भी स्टेट ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करती है, भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान. इसका मतलब भौगोलिक मतलब जैसे कोई स्टेट हिली एरियाज में, राइट, हिली एरियाज मतलब वहां पर डेवलपमेंट मुश्किल होगा, वहां पर ट्रक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर
बहुत मुश्किल से जो है वो हो पाएंगे। तो जो जो स्टेट्स ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज है, भौगोलिक रूप से पीछे है, तो उनको हेल्प करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, राइट, मतलब उनको दे दिया जाता है जिससे कि उनको हेल्प की जाती है। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक, तो सोशियो इकोनॉमिक का मतलब, सोशियो मतलब समाज, सोसाइटी, कि वहां की सोसाइटी बैकवर्ड है, वहां के लोग जो है, जैसे बिहार की हम बात करें भाई, जनरली हम बात होती है पूरे स्टेट्स में तो बिहार आ जाती है, एजुकेशन में पीछे के मामले में बिहार आ जाती है, बट एक और चीज बिहार उन स्टेट्स में भी है जिनमें कहा जाता है कि हर एक घर में एक ना एक आईएएस जरूर आपको जो है मिल जाएगा, राइट, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट सोशियो इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिकली वो स्टेट जो है वो पीछे, तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी, जो भी स्टेट ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से और सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक रूप से पीछे है, कमजोर है, तो उनको हेल्प करने के लिए उन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया जाता है, राइट, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंट्रोड्यूस किया गया, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन यानी कि पांचवें वित्त आयोग, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई जो भी स्टेट्स इस प्रकार से पिछड़ी हैं उनको जो है वो हेल्प करने के लिए उनको एक अलग कैटेगरी का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जाए, राइट। नेक्स्ट, पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड इन तीन स्टेट्स को जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया गया। अब क्राइटेरिया, अब देखो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, आप हर एक स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते, तो कुछ क्राइटेरिया उस समय डेवलप किया गया कि ये क्राइटेरिया अगर स्टेट फुलफिल करेगी तो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। क्या क्या क्राइटेरिया है, डिफिकल्ट टेरेन, मतलब पहाड़ी इलाके में है ऐसा इलाका जो कि काफी डिफिकल्ट है, पहला डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि वहां पर पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कम पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। थर्ड, ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां पर आदिवासी जनजाति जो है वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक है, राइट, क्योंकि उन स्टेट्स को ध्यान देना पड़ेगा जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब में है। फिफ्थ, हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस यानी कि इकोनॉमिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है वो स्टेट, और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस यानी कि स्टेट अपने आप को जो है फाइनेंस नहीं कर पा रही है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, वो एक्सपेंडिचर कर रही है बट इनकम नहीं कर पा रही क्योंकि वहां के लोगों की इनकम नहीं है तो वो उनको टैक्स नहीं पे कर पा रहे। अल्टीमेटली स्टेट का पैसा कहां से आता है, टैक्स के थ्रू आता है, और हालांकि पीएसयू वगैरह के थ्रू आता है, बहुत सारी चीजें होती है उसको हम पॉलिटी में हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में फिर से एक दो बार आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ये क्राइटेरिया समझ आया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किन स्टेट्स को मिलता है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एक होता है स्पेशल स्टेटस और एक होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना। स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था एक कानून के थ्रू, और किया जाता है कानून के थ्रू, कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर और फिर किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है, पहला पॉइंट। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाती है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में आएगा, राइट, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, एनडीसी बना रही है, दैट मींस कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन होता है वो किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा जो है वो देता है, और स्पेशल स्टेटस का दर्जा किनको मिलता है, कानून के थ्रू जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट, क्यों बिहार जो है वो डिमांड कर रही है, तो बिहार इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बाइफर्केशन यानी कि जब बिहार अलग हुई थी दूसरे राज्यों से तो उसको काफी नुकसान हुआ। थर्ड, फ्लड वहां पर आता है, ड्रॉट वहां पर आती है, बाढ़ आप देखेंगे बिहार के अंदर, सूखा आप देखेंगे बिहार के अंदर, राइट। फोर्थ, हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि वेलफेयर फंडिंग यानी कि उसके पास फंडिंग की कमी है, राइट। फिफ्थ, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिसोर्सेज की, संसाधन की जो है वहां पर कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो और भी काफी सारी स्टेट, आंध्र प्रदेश, ओडिशा भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। तो बिहार की डिमांड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जस्टिफाएगा। तो हमने अभी क्या बात किया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किनको मिलेगा, जो ये फलाना क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करेंगे। तो बिहार सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है बट हिली टेरेन पे नहीं है वो। हमने एक क्राइटेरिया देखा था हिली टेरेन, ऊंचाई में, बिहार तो प्लेन्स में, राइट। तो ये वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। और इवन रघुराम राजन कमेटी एक बनाई गई थी, रघुराम राजन हमारे गवर्नर, एक्स गवर्नर आरबीआई के, राइट, भोपाल से ही है वो। तो रघुराम राजन वेरी फैंटास्टिक पर्सनालिटी, कभी उनके बारे में बुक्स हैं उनकी काफी सारी, उनके बारे में पढ़ने का भी टाइम मिले तो, काफी शानदार पर्सनालिटी। तो इन्होंने बोला कि यार आप क्या करो, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के आधार पर उस स्टेट को फंड्स प्रोवाइड कराओ। तो इन्होंने ये चीज बोला कि स्पेशल कैटेगरी मत दो। अगर देखो आप किसी एक स्टेट को अगर आप कोई बेनिफिट प्रोवाइड कराते हो तो दूसरी स्टेट गुस्सा होगी, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, राइट। तो इन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, उससे बेटर है कि उनको फंड्स प्रोवाइड कराओ इकोनॉमिकली, जिससे कि वो ऊपर जो है वो जा सके, या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड करा दो, अनुदान जिसको हम लोग बोलते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड, यानी कि अगर आप किसी एक स्टेट को ज्यादा पैसा दोगे तो दूसरी स्टेट्स के लिए पैसा कम होगा। भाई केंद्र सरकार के पास एक लिमिटेड फंडिंग है,
राइट, पैसे तो लिमिटेड ही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आप किसी को ज्यादा दोगे तो कहीं ना कहीं किसी को कम देना पड़ेगा, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलेगा, इससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन खराब होंगे, जिसको फेडरलिज्म हम लोग जो है वो कहते हैं, राइट, तो संघवाद। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो बताइए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कौन ग्रांट करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल सही है। हाँ, अभी अभी रहे, चल ही रहा है, मतलब देखो ये महीनों से चल रहा है, अभी अभी लेटेस्ट प्लस रिलेटेड न्यूज आ रही है। तो करंट अफेयर्स हम करंट की चीजें जो है वो कवर अप करते हैं, दो तीन दिन पुरानी उसकी प्रॉपर एनालिसिस जो है वो करने के बाद चलिए डिस्कस करते हैं। इजिप्टोलॉजी और नेपोलियन का क्या संबंध हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है? तो नेपोलियन जो है वो इजिप्ट एक्सपीडिशन नहीं कर पाया, फेल हो गया, यानी कि इजिप्ट के ऊपर नेपोलियन कब्जा नहीं कर पाया 1798 और 1801 में, और उस समय ये टर्म आता है इजिप्टोलॉजी। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में शायद आप लोग जो है वो जानते होंगे, उससे रिलेटेड एक फेमस स्टोरी है रशिया की। वो मरा जो था वो सिर्फ अपने ईगो के कारण मरा, नहीं तो बहुत तगड़ा इंसान था। लाइफ में ईगो जो होता है ना, उस इंसान को बर्बाद कर देता है। हिस्ट्री से ये सब चीजें सीखनी चाहिए। नेपोलियन के साथ एक केस हुआ था रशिया, उसने अपने एक दूत को भेजा, दूत मतलब समझते हो, मतलब एक, हाँ वही कह सकता हूँ, एम्बेसडर, राइट। उसने एक व्यक्ति को जो है भेजा और बोला कि जाओ रशिया के किंग को बोलो कि उसकी बेटी से मेरी शादी करा दे। तो रशिया सर पावरफुल कंट्री एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो रशिया के किंग ने बोला कि एक काम कर, तो फिर राजा को जाकर ये बोल कि मेरी लड़की 6 फुट की और तू 5 फुट ही, तुझसे शादी कराऊ, बढ़िया से पहुंच गया। अब दूध जैसे ही आया, दरबार लगा हुआ था पूरा, नेपोलियन बैठा अपनी गद्दी पे, नेपोलियन ने बोला बताओ क्या बोला, खुश हो गए एकदम, क्योंकि नेपोलियन ने जलवे थे उस समय, एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सब यूरोप जो है डरता था नेपोलियन से। तो उसने बोला कि मैंने शादी का ऑफर दिया तो करेगा, मैट्रिमोनियल अलायंस आपको बता हुआ होते हैं, मैरिज अलायंस, राइट, कि आपस में दो स्टेट्स के बीच में मैरिज करके शांति जो है वो कर ली जाती है, रिलेशनशिप एनहांस कर दिया जाता है, उसको लगा रशिया मान जाएगा आसानी से। दूत ने बोला कि सर अंदर आओ, अंदर बताता हूँ। नहीं नहीं अभी बताओ, उसको लगा कि बस चीज होगी, अभी बताओ अभी। बोलते सर थोड़ी दिक्कत आ रही, तो क्या हुआ दिक्कत वाली बात? तो उसने क्लियरली वो स्टेटमेंट बोल दिया कि मेरी लड़की 6 फुट, तुम्हारा राजा 4-5 फुटिया, ये मैच हो सकता है शादी का? नेपोलियन वॉज एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री, उसने बोला ऐसी की तैसी कर देंगे आप, क्योंकि बेइज्जती क्या होता है लाइफ में, हमेशा जब कोई आपकी अकेले में बेइज्जती करे ना तो बर्दाश्त हो जाता है कि चल ठीक है यार, बट अगर सभा में बेइज्जती हो जाती है तो इंसान अपना आपा खो देता है। अब यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस आपको सीखना है। अब एग्जाम्पल, आप एक ब्यूरोक्रेट है, राइट, एक ऑफिसर है, मस्ट पावरफुल पोस्ट, आईएएस की पोस्ट आपकी, आप जा रहे हो रस्ते में, आपको पुलिस वाले ने जो है वो रोक लिया, तो रोका तो दैट डजंट मीन कि आप उतर के उसको ताव दिखाओ, क्या भाई कैसे रोक लिया, बोले तू जानता है मेरी पोस्ट क्या है, क्यों रोक, प्यार से पूछो क्यों रोका है, क्या किया है। या इवन जैसे कई बार मैंने देखा है कि लोग ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, सब्जी वालों से लड़ने लगते हैं। अभी बीच की बात थी, मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा था, मतलब कॉमन मैन माइंड सेट की मैं बात करता हूँ आपको, हम लोग पोलार साइड से जो आ रहे थे, सामने एक ऑटो वाला साइड नहीं दे रहा, पिया हुआ था जो गाड़ी चला रहा था, एक मिनट, तो साइड नहीं दे रहा, तो भाई चल ठीक है, उसने जब साइड दिया तब तू उसको भले ही गुस्से में देख ले, गाली बकी और आगे निकल जा। इन भाई साहब ने गाली बकी, गाड़ी रोकी, फिर उसको मारा पीटा, फिर उसको छुड़वाया मैंने, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यार ये सब। तो ये क्या है, ये बेवकूफों का माइंड सेट है, कॉमन मैन माइंड सेट, कि कभी भी आपको किसी को वो नहीं करना है, अपने ईगो में आकर किसी को नीचा जो है वो नहीं दिखाना है, और नीचे को नीचा दिखा रहे हो बेवकूफी है अननेसेसरली। आप सब्जी वाले से लड़ोगे तो इमेज किसी खराब होगी, आप ही की होगी ना यार, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, आपको किसी ने अगर रोक दिया और फिर आपसे थोड़ी बहस भी कर ली उसने, खिला दो गाड़ी के कागज दिखाओ, ये करो वो करो, तो नॉर्मली दिखा दो, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। और सब कुछ करने के बाद फिर जब आप बताओगे ना कि मैं एक आईएएस ऑफिसर, सट सल्यूट हो गया, और फिर आप उसको 500 रुपए दो, दिस इज द रिवॉर्ड, यू आर डूइंग द गुड जॉब। और जहां उसने गलत काम किया, वेट एंड वॉच, जस्ट डोंट शो योर पावर अंटिल इलनेस की ऊपर ना हो जाए चीजें। पावर तभी शो करनी है जब जरूरत पड़े। नेपोलियन ईगो, उसने देखा कि पावर है मेरे पास, तो पूरे राज्य पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, रशिया की हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाएगी जब मेरे बारे में ऐसा बोलने की। इसने पूरी अपनी आर्मी रेडी करी, पहुंच गया रशिया। जब ये रशिया पहुंचे तो रशिया का राजा उस तरफ ईस्ट की तरफ जो है भाग गया, कोल्ड एरिया, साइबेरियन एरिया, कोल्ड एरिया, वो तो उस टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है भाई। मैं अगर हम लोग यहाँ रह रहे हैं,
जो जम्मू एंड कश्मीर में बनता है, अगर हम लोग यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो चले जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, बट वहां पर बैठा हुआ बंदा नॉर्मल कपड़ों में आपको दिख सकता है क्योंकि वो उसने एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं राइट। वो वहां पहुंच गए, उनके पास अंडरग्राउंड वो भी थे भाई, उनके पास तो व्यवस्था ना, घर है सब कुछ है, इन लोग के पास नहीं, ये पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पे पहुंचे, इनकी पूरी आर्मी जो है वो ठंड के मारे मर गई, अकड़ के मर गई, और उस पर्टिकुलर एक एरिया को जो है वो कब्रिस्तान क्या बोलते हैं ना, ग्रेवयार्ड, ब्लड के ग्रेवयार्ड के नाम से जो है वो एरिया एक फेमस है, जिसमें पूरा नेपोलियन की आर्मी जो है वो समाप्त, जब नेपोलियन वहां से वापस आया तो उसको कैद करके जो है वो रख लिया। तो मारो जब जब जरूरत हो, या फिर वेट वेट करके मारो कि ठीक है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू टॉक, ठीक है। अब कभी आप देखना जो बड़े लोग होते हैं ना, अधिकारी लोग, उनकी कोई बेइज्जती करते हैं तो वो खुद मुस्कुराते हैं, गुड। अब आपकी बेइज्जती अगर कोई करे मुस्कुरा दो, ठीक है सही बोल रहा है, जैसा तेरे को लग रहा है, तेरा ओपिनियन ऐसा है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ऐसा है वो मैं जानता हूं, इट्स ओके, ब्रेक। क्यों करना फालतू कॉन्वर्सेशन, कभी किसी से मत करो। आप कॉन्वर्सेशन करोगे तो उससे लड़ाइयां होंगी, कर रही, किसी ने आपके बारे में बुरा बोला, कोई दूसरा आपको आगे बता रहा है कि उसने ऐसे से बोल दिया, मतलब बस इतना ही बोला, मैं तो उससे ज्यादा बुरा हूं। पॉइंट इज दिस, जब आप अपने आप को खुद सामने वाले के सामने बुरा घोषित कर दोगे तो सामने वाले फिर पलट के आपको कुछ नहीं बोलेगा। दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, तो ये चीज सामने आई कि नेपोलियन इजिप्ट के एक्सपीडिशन में गया था, फेल हो गया, तब से ये टर्म सामने आया इजिप्टोलॉजी। लगभग 160 स्कॉलर्स अलग अलग फील्ड के हम लोग को देखने को मिले थे जिसने नेपोलियन की इजिप्ट एक्सपीडिशन को स्टडी किया, यानी कि नेपोलियन इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर रहा था उसको स्टडी किया। फिर उन्होंने एक स्टडी में एक डॉक्यूमेंटेशन किया इजिप्ट की हिस्ट्री और कल्चर जो है वो उन्होंने बनाई, जैसे हिस्ट्री बनाई जाती है ना, तब से जो है ये शुरुआत जो है वो हो गई राइट, अकेडमिक आर्कियोलॉजी की नाइल वैली के अंदर। तो बस ये सब चीजें और कुछ नहीं, बाकी ये जो बुक्स वगैरह के नाम जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, डोमिनिक विवेंथ डेनॉन, इन्होंने जो है वो ट्रैवल इन लोअर एंड अपर इजिप्ट करके एक स्टडी अपनी जो है वो रिलीज करी थी, और एक डिस्क्रिप्शन ऑफ इजिप्ट जो है वो रिलीज किया था जिसमें नेपोलियन के इजिप्ट एक्सपीडिशन के बारे में पता था। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपोलियन इजिप्ट को एक्सपीडिट किया था क्या, तो नहीं किया था, इजिप्ट के ऊपर कब्जा। और नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से 1821 का इसका पीरियड था, फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था। नेपोलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, बहुत मजा आएगा। अभी तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट बताई है, ऐसे काफी सारे लोग हैं, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखा दिया। अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तब आपको जो समझ में आएगा कि क्या गलती थी अमेरिका की। एनीवेज, ये एम्परर बन गया फ्रेंच का 1804 में, और इसके कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिले थे, लीगल और एजुकेशनल रिफॉर्म, नेपोलियनिक कोड, ये आपने सुना भी होगा नेपोलियन कोड राइट, मॉडर्न यूरोपियन जियो पॉलिटिक्स को शेप करने में इसका काफी योगदान था नेपोलियन बोनापार्ट। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग अच्छे से, बताओ इसका क्या होगा आंसर। What marked the start of academic archaeology in the Nile Valley? नील घाटी में academic पुरातत्व की शुरुआत किससे हुई? Description of Egypt नहीं यार, मैंने अभी बताया ना, failed Egypt expedition, जब नेपोलियन ने जो है वो कब्जे, जो उसका अभियान था कब्जा करने में फेलियर हुआ, तब जाकर उसको स्टडी करना शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर टू का, भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक हमने पॉलिटी अभी कवर कर चुके हैं, फिर से हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी, जिंदगी छूट गई आपकी भी, आपने भी नहीं पढ़ी थी ना पॉलिटी, फिर से आएगी वो जैसे ही ये पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, फिर से हम लोग रिपीट जो है वो कर देंगे। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 2 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, वो बातचीत, उस डिस्कशन को कोर्ट में ना लाया जाए, और कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी उस डिस्कशन का, क्योंकि दैट इज डिस्कसिंग। इसका मतलब साफ साफ ये है, आपको पता है हमारे तीन पिलर्स हम लोग को देखने को होते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच। जुडिशियरी नहीं, जुडिशियरी नहीं, न्यायपालिका है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब जो आप लोग बनोगे। दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, टेंपरेरी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आप लोग परमानेंट बनोगे ऑफिसर्स, और टेंपरेरी एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स होते हैं राइट, जिनके ऊपर मिनिस्ट्री का चार्ज होता है, तो वो टेंपरेरी एग्जीक्यूटिव होता है। और तीसरा लेजिस्लेटिव, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, एमपी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो होती है उसको इंटरप्रेट करती है और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है।
तो ये पॉलिटी में हमने जो है डिस्कस किया था, तो तीन अलग अलग सेपरेशन है। तो इन्होंने बोला कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव के अंडर ही एग्जीक्यूटिव आता है, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा मिनिस्टर जो है बैठे रहेंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव एक आपके ऊपर बैठी रहेगी, तो ये दोनों अटैच्ड है। तो ये कहा गया आर्टिकल 74 क्लॉज 2 के अंदर कि जुडिशरी जो है वो किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव विंग को। क्लियर, तो याद है बात समझ में। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, बट इस चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जो अभी रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य बिल के तहत, तो भारतीय साक्ष्य बिल ने क्लियरली कोर्ट्स को जो है वो ब्यार कर दिया है, मतलब हटा दिया है, रोक लगा दी है कोर्ट्स के ऊपर कि कोई भी अगर डिस्कशन होता है, कम्युनिकेशन होता है मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में, उस कम्युनिकेशन को जो है आप हस्तक्षेप नहीं करोगे उस कम्युनिकेशन में। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 74 क्लॉज 2 को एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड करा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है, तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल बातचीत, कुछ ऐसी बातचीत जैसे कि जो कॉन्फिडेंशियल बातचीत चल रही है मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में या मिनिस्टर्स के आपस के बीच में, तो कोर्ट अगर चाहे, मतलब अब देखो कोर्ट चाहे तो हर एक डॉक्यूमेंट निकलवा सकती है, बट अगर मिनिस्टर्स ने बोल दिया कि नहीं दिस इज द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट वी कैन नॉट गिव यू, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हम आपको नहीं दे सकते, तो कोर्ट फिर उसका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो लीगल बैकिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये कानून के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया। और हालांकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है, विशेष अधिकार प्राप्त संचार जो है, वो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है क्लियरली, वो डिपेंड करता है मिनिस्टर्स के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसको एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का थप्पा लगा दे उसके ऊपर। बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, पर्पस क्या है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का, क्या सी टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ओपन कम्युनिकेशन विद इन ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप। बिल्कुल सही, विशिष्ट रिश्तों में गोपनीयता और खुला संचार सुनिश्चित करना। खुला संचार ओपन कम्युनिकेशन मतलब प्रेसिडेंट और उनके बीच में वो सुनिश्चित करना, बट कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एस्टैब्लिश किया है, मतलब ये रिकमेंडेशन दिया है कि आप एस्टैब्लिश करो, या सपोर्ट किया है कि आप एस्टैब्लिश करो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को, जिससे कि आप जुडिशरी के अंदर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन ला सको, यानी कि जुडिशरी में और भी काफी सारे लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूट हो सके, राइट। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो कब ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके तहत जो है ये शामिल किया गया था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में आएगा। फिर आर्टिकल 312, दूसरा फैक्ट ये ध्यान में रखना है, आर्टिकल 312 जो है ये प्रोवाइड कराता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए डीजे या उससे ऊपर की पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर की पोस्ट के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो लाई जाए, राइट। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 312। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री से ज्यादा लोगों को जो है वो जुडिशरी में शामिल करना। बताओ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कब ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, करेक्ट आंसर कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सिल्क यारा टनल कोलैप्स, तो एक टनल जो है वो कोलैप्स हो गई है, राइट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि रेक्टिफाई करो, सुधार करो लेबर कन्वेंशन को, तो आपको इस टनल के ऊपर जो है अभी जाना नहीं है। मेन चीज आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, कॉमन मैन बात करता है टनल धस गई, बट आप बात करोगे टनल धसी तो सोल्यूशन उसका क्या होना चाहिए। अब जैसे काफी सारे लेबर्स हैं, भाई टनल धस गई दैट मींस कि लेबर की लाइफ के लिए नुकसान है, प्लस सही तरीके से आप लेबर लॉस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। अब आते हैं इस चीज पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ने यह कहा है कि लगभग 30 लाख वर्कर्स पूरे दुनिया भर में मरते हैं एक्सीडेंट और डिजीज के कारण, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड वर्क रिलेटेड डिजीज। वर्क रिलेटेड डिजीज क्या होती है, बीमारियां, एग्जैक्टली। जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइंस के नीचे जाता है तो वहां पर पॉइजनस गैसेस वगैरह होती है, एग्जैक्टली। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और कितनी कंट्रीज ने अभी तक रेक्टिफाई किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन को, तो ये बताया जाता है कि 187 में से 79 कंट्रीज ने सिर्फ रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई मतलब पुष्टि करना, दो चीजें होती हैं, एक तो एग्रीमेंट है उसको आपने साइन कर दिया, फिर साइन करने के बाद रेक्टिफिकेशन मतलब दैट मींस कि आपने अपनी कंट्री के अंदर कानून बनाकर उसकी पुष्टि करके उसको चालू कर दिया।
इंडिया के अंदर ये चीज नहीं हो रही है। क्लियरली मेंशन है कि इंडिया ने अभी तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया है, मतलब इंडिया ने अभी तक इस चीज पर काम करना शुरू नहीं किया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, तो इंडिया के अंदर किस प्रकार की वर्कर सेफ्टी पर काम किया जाता है। तो हमारे अंदर 2020 में हम लेकर आए थे ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये कोड याद रखना, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। तो हम लोग कोड जो है वो लेकर आए थे कि भाई कोई भी अगर व्यक्ति और किसी ऑक्यूपेशन में किस प्रकार से ऑपरेट करेगा उसका ये कोड था। और आपको बता दें मेजर थ्रेट्स, अब ये चीज आप मेंस में लगेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली हम लोग को देखने को मिलता है कि वर्क के दौरान वर्क सेफ्टी के लिए, एक तो लंबे समय तक काम करना, जो एक व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है तो वो डिजी हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, राइट। वो ऑपरेशन के दौरान जो है वो सो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की ट्रेन चलाने वाले हैं, राइट, अगर उनका आप लॉन्ग वर्क तक ऑपरेट करवाओगे तो क्या होगा कि वो ट्रेन चलाते सो जाएंगे और काफी सारे लोगों की जान जा सकती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी आज के डेट में बढ़ गई है, आजकल ट्रेन के अंदर भी ये सिस्टम आ गया कि अगर आप कुछ मिनट का रहता है, यानी 5-6 मिनट तक ऐसा कुछ उनका टाइमर रहता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मेरे भैया ने बताया था मुझे, अगर उसमें आप कोई भी बटन या कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे तो तुरंत एक सिग्नल जो है वो चालू हो जाएगा 2-2-2-2, और अगर उस पर आपने क्लिक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ट्रेन ब्रेक लग जाएंगे और इन्फॉर्मेशन जो है वो तुरंत जो है वो चली जाएगी नियरेस्ट जो वो रहता है ना उनके वो बने रहते हैं कम्युनिकेशन लाइन पे, तो वहां पे तुरंत चली जाएगी कि ट्रेन जो है वो रुक गई है, राइट। तो वो चीज है, तो काफी सारी टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में बढ़ गई है। बट इसके अलावा भी जैसे कि कोई भी काम ले लो आप यार, अगर कोई व्यक्ति जैसे आप ही हो, आप एक IAS ऑफिसर हो, वैसे तो आपके लिए काम तो ऐसा होगा कि आपको लंबे लंबे समय तक काम करना ही पड़ेगा, ना चाहते भी, स्पेशली इलेक्शंस के समय पर तो करना ही पड़ता है। बट क्या होता है, अब आप तो एक लीडर हो, बट आप देख रहे हो कि आपके नीचे जो है वर्कर्स है, राइट, वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करेंगे जब आप उनको सोने का टाइम दोगे, उनको रिलैक्स करने का टाइम दोगे, तभी वो फुल कैपेसिटी को ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आप सोचोगे नहीं यार उनको लॉन्ग टाइम तक काम करा दे रहे हो, तो एक टाइम के बाद उनका पोटेंशियल जो है वो डाउन हो जाएगा, तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। फिर पार्टिकुलेट मैटर का एक्सपोजर, कोई माइंस के नीचे जा रहा है तो पार्टिकुलेट मैटर्स ऐसी गैसेस, प्रदूषित गैसेस जो है वो उनको इनहेल करेंगे तो उनको वेरियस डिजीज जो है वो हो सकती है। फिर ऑक्यूपेशनल इंजरीज, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर मशीन जो है वो गिर जाना, ये बहुत सारी चीजें होती है, राइट। बताओ जरा, अच्छा ये इसका आंसर आपको जो है वो पता नहीं होगा, तो एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इसको अगर थोड़ा लॉजिक लगाते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाता कि हमारे यहाँ फोर्स लेबर को हमने एबोलिश किया हुआ है, क्योंकि आप भाई बंधुआ मजदूरी एबोलिश है ना हमारे यहाँ पर, कि भाई आप किसी को भी स्लेव बना के नहीं रख सकते, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। कॉस्मिक आयनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस, पर्टर्बेशंस का मतलब होता है गड़बड़ी। अब एक स्टडी ये बता रही है कि जो अर्थक्वेक आता है, राइट, अर्थक्वेक आने से हम लोग को उसकी वेव्स है वो कहां कहां पर देखने को मिलती है, धरती के नीचे, पूरी धरती जो है वो अर्थक्वेक आने से हिलती है। एक स्टडी ये बता रही है आयनोस्फीयर कहां पर है, आयनोस्फीयर ये भी पढ़ा है हमने, कहां पर है आयनोस्फीयर, वो एस्थिनोस्फीयर है यार, कहां ऊपर, ऊपर है हवा में, एटमॉस्फेयर में आयनोस्फीयर एक आता है जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो रेडियो सिग्नल्स जो है ना वहीं से ऑपरेट करते हैं आयनोस्फीयर से। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर पढ़ा था ना अपने, तो ये वेरियस लेयर्स होती हैं। कहना ये है रिसर्च का कि जब भी अर्थक्वेक देखा गया है तब उस समय आयनोस्फीयर में कुछ हलचल जो है वो देखने को मिली, दैट मींस कि एक वेव धरती पर, धरती पे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि वेव्स रिलीज हो रही है, बट एक वेव एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है, जिस वेव को हम लोग बोलते हैं अकूस्टिक वेव्स। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो कि एपिसेंटर फोकस हुआ, फोकस यानी कि जहां पर धरती के नीचे जहां पर अर्थक्वेक हुआ उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, फोकस के जस्ट ऊपर होता है एपिसेंटर सरफेस एरिया पे। फिर उसके बाद लहरें जो है वो एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, दो दो प्रकार की वेव्स होती है, एक सरफेस पे चलती है और दूसरी बॉडी पे चलती है, तीसरी अकूस्टिक वेव्स जो एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज हो जाती है और ये डिस्टर्ब कर रही है आयनोस्फीयर को, देख लो। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना। और ये CIP कॉस्मिक आयनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस यानी कि गड़बड़ी, कि कॉस्मिक आयनोस्फीयर की गड़बड़ी जो है वो जो हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, सेस्मिक एक्टिविटी के कारण। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मतलब अब आप आयनोस्फीयर को स्टडी करके भी ये पता लगा सकते हो कि धरती में कुछ गड़बड़ी जो है वो हुई है, बिकॉज क्योंकि वो वेव्स जो है वो उस पर जाके टच होती है और उसको गड़बड़ करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना है। अब इससे आप अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग कर सकते हो, प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हो, राइट, एकूस्टिक वेव्स जो है वो ये ध्यान में रखना, ये वाली वेव्स। अब आंसर बता दो इस क्वेश्चन का कि मेन फोकस है वो स्टडी का क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने ये स्टडी करी थी, कौन सा,
सीआईबी जो है वो मेन हम लोग को फोकस इस स्टडी का देखने को मिला था. ग्रीन लीफ लीफ वॉलेटाइल जीएलवी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो जापान के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च जो है वो करी है प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन की, कि प्लांट प्लांट आपस में कम्युनिकेट जो है वो करना है. अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि बातचीत करना, पहली चीज. कम्युनिकेट का मतलब ये भी होता है इशारा भी, कोई चीज जो है वो ले लेना. भाई देखो प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? जैसे कि आपको पता होगा कि एक टच वी नॉट प्लांट होता है, जैसे आप उसको टच करते हो बंद हो जाता है ना. तो कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिकेशन ही तो है, किसी ने उसको टच किया बंद हो गया वो. अब सुनो नेक्स्ट हम लोग जो है बात करें, तो इन्होंने बोला है कि प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेट करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वीओसी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन लीव वॉलेटाइल जीएलवी के थ्रू प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है. तो इन्होंने रियल टाइम फ्लूरोसीन इमेज का उपयोग जो है वो किया और ये चीज विजुअलाइज करी कि किस प्रकार से प्लांट जो है वो वीओसी यानी कि जीएलवी जो है वो ले लेता है जब भी कोई उसका डैमेज नहीं बने, यानी कि उसके बाजू में कोई प्लांट अगर डैमेज हो गया तो वो तुरंत उस डैमेज प्लांट से जो है वो क्या ले लेगा, एक कंपाउंड जो है वो ले लेगा जो उसके लिए हेल्पफुल रहता है उसके ग्रोथ के लिए. तो वो जो कंपाउंड जो ले रहा है ये इसी प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन जीएलवी को हम लोग जो है वो कह रहे हैं, राइट? तो ये चीज जो है वो सामने नजर आई है. तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट डिफेंस रिस्पॉन्स जो है वो थ्रेट के अगेंस्ट जो है वो जो चीज रहती है, यानी कि जो प्लांट के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है कि जो कैल्शियम टाइप की चीज होती है कि जो उसको बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है थ्रेट से. तो जैसे ही उसका नेबर मर गया तो उससे वो वाली चीज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. बस ये चीज यहाँ पर जो है वो बताई गई है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. एक और चीज इसके अंदर थी, क्या रोल जो है वो गार्ड सेल प्ले करते हैं वीओसी के अंदर. गार्ड सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं स्टोमेटल फंक्शन के लिए. हिंदी में इसको रंग्र कहते हैं, रंग्र स्टोमेटल. आपने सुना होगा प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता है जो बंद होता है और ओपन होता है, स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर. जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा तो या मैं पढ़ाऊंगा तो फिर एक मैडम पढ़ाएंगी तो आपको पता लगेगा. तो हाँ, तो ये बेसिकली वीओसी में जो है वो हेल्प करता है. तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली. तो मैंने आपको बता दिया कि वीओसी जो है वो किसमें हेल्पफुल है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है प्लांट के डिफेंस में, राइट? कैल्शियम इनटेक जो है वो कर लेता है. तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है प्लांट का टाइमली डिफेंस रिस्पॉन्स के लिए. तो ये फैक्ट्स आप बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए. क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या रोल जो है वो गार्ड सेल प्ले करता है? स्टोमेटल फंक्शन है ना, स्टोमेटल फंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है. अब एक न्यूज सामने आई है कि अर्जेंटीना जो है वो अपनी लोकल करेंसी को जो है वो रिप्लेस करके बोल रहा है कि हम डॉलर जो है वो अपनी कंट्री के अंदर चलाएंगे. क्यों चलाएंगे डॉलर अपनी कंट्री के अंदर? क्योंकि उस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन है. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब अति मुद्रा फीसदी. क्या होता है इन्फ्लेशन? मतलब महंगाई. हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई अति में हो रही है वहां पर. जैसे कि न्यूजीलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूजीलैंड के बारे में शायद आपको जो पता होगा कि वहां पर अगर आपको किसी चीज को परचेस करना है तो ठेला भरकर पैसे लेकर जाया जाता है ब्रेड को परचेस करने के लिए. ये स्थिति है वहां की. वीडियो देखोगे आप कई बार, देखोगे इतने बड़े बड़े नोट लेकर जो लोग घूम रहे हैं, राइट? मतलब आप वहां पे जाके अपने आप को अमीर जो है फील करोगे. पूरे घर भर जो है वो पैसे ही पैसा जो है आपको नजर आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको लोकल 10-15 हजार का फोन जो है वो खरीदना है, तो उसके लिए मान के चलो कि आपको 2 बोरे भरकर पैसे ले जाके देने पड़ेंगे. मतलब ये स्थिति है वहां की. वैल्यू बहुत कम, वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा कम है. तो अभी यही हुआ अर्जेंटीना के अंदर. तो वहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो काफी ज्यादा हो गई उनकी. अब देखो किसी कंट्री के अंदर महंगाई ज्यादा हो रही है मतलब लोकल करेंसी का यूज जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है. तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब हमें वो चीज जो है वो नहीं करना है, क्योंकि मनी का सर्कुलेशन एक भी एक बहुत ज्यादा लेवल पर एक कंट्री के लिए नुकसानदायक हो जाता है, राइट? डिमांड और सप्लाई की जो हम लोग जो है बात करते हैं, तो वो वाला चीज है वो इकोनॉमिक्स में और बेसिक से आपको जो है वो कवर अप कराऊंगा. अभी के लिए ध्यान रखो कि अर्जेंटीना के अंदर महंगाई अति में बढ़ गई. उस महंगाई को देखते हुए अर्जेंटीना ने ये बोला कि नहीं हमें तो डॉलर चाहिए. क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हम एक डॉलर यूज करें तो अभी आज कितना 80-83 समवेयर अराउंड इतना ही चल रहा होगा, है ना, 83-84 समवेयर अराउंड. तो मैं 84 रुपीज दूंगा उसकी वजह मैं एक डॉलर रख लूं तो डिफरेंस देख रहे हो आप. वहां पे लेट एग्जाम्पल के तौर पर चलो अभी अपन देख लेते हैं अर्जेंटीना के अंदर. अभी लाइव एग्जाम्पल में आपको करता हूँ. नहीं जरूरी होता है, ये जरूरी होता है. अच्छा पता है आपको इंडिया एक अर्जेंटीना पीसो उसकी करेंसी है इज इक्वल टू 0.23 इंडियन रुपीस. समझ रहे हो 20 पैसा हमारे यहाँ. वहां का एक जो करेंसी है 1 रुपए, जैसे वहां की 1 रुपए हमारे यहाँ के 20 पैसे. सोचो आप कि कितना डिफरेंस. अब डॉलर का आ जाता है चलो
अर्जेंटीना करेंसी टू यूएस डॉलर 0.0028 यूएस डॉलर, सोचो आप 0.0028 यूएस डॉलर, बाप रे, मतलब ये मान के चलिए आप कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, 1000 रुपए की बात करूं, तो $2 में 1000 वहां के रुपए रिप्लेस हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कितना, मतलब एक व्यक्ति कितना पैसा लेके जा रहा है, तब जाकर उसको जो है वो, जैसे मैंने 1000 रुपए यहां पे डाले, ठीक है, अब जैसे एक अपन 1 लाख के फोन की बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का फोन लेने जाए, या चलो 1 लाख के और आगे 10 लाख कर देते हैं, ठीक है, चलो 1 करोड़ कर दिया मैंने, ठीक है, आप मार्केट में 1 करोड़ रुपए लेके जाओगे तो आपको जो है $27,661 की वैल्यू का जो है वो कंपैरिजन है, यानी कि 1 करोड़ रुपए लेके जाओगे तो आप $27,661 के बराबर है 1 करोड़ रुपए वहां का। तो आप सोच रहे हो एक व्यक्ति अगर ठेले भर के पैसा लेकर जाएगा तब जाकर उसको कुछ बेसिक चीज है वो मिल पाएगी, मतलब एक बेसिक चीज नहीं, घर भर खरीद लेगा 1 करोड़ के लायक, मतलब ठेला या ट्रक भर के पैसा लेके जा रहा है kind of. तो वो चीजें हम लोग को रहे देखने को मिल रही हैं। तो ये स्थिति आप सोचो वहां की, तो ये अभी करंट का मैंने आपको आज की डेट का रहे बताया, और बहुत बुरा रहे आंकड़ा चल रहा है, यानी कि पिछले एक साल से ऑलमोस्ट जो है उनकी हालत जो है वो बर्बाद जो है वो हो गई, बहुत बुरी हालत हो, अभी अगस्त से लेकर दिसंबर में तो हालत और बर्बाद हुई है इनकी। तो ये चीज है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम डॉलराइजेशन पे आएंगे क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हम लोग को वहां पर देखने को, ऐसी एक चीज करी थी इक्वाडोर ने, इक्वाडोर के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि वहां पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, राइट, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, मुद्रा फीसदी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, इससे भी जो है वो ये चीज लेकर आई। फिर इसके अलावा अभी एक चीज ये गलती कर रहा है, सबसे बड़ी गलती कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमें अपनी सेंट्रल बैंक को खत्म करना है, अबॉलिश करना है सेंट्रल बैंक को। अब सेंट्रल बैंक को आप अबॉलिश कर दोगे तो ये तो बहुत बेकार कदम है, राइट, फिर आप कैसे अपने मॉनेटरी पॉलिसीज को जो है वो डिफाइन करोगे, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी भी कंट्री के अगर सेंट्रल बैंक, हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, आरबीआई, तो किसी भी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक अगर चली है तो सोचो कितना नुकसान जो है वो हो सकता है, राइट। तो अर्जेंटीना क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो वहां पर गरीबी है, उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कितना बताया मैंने आपको, एक अर्जेंटीना कितने रुपए के बराबर है, 20 पैसे 23 पैसे के बराबर। तो ये चीज मतलब 23 पैसे का एक आपको अर्जेंटीना पीसो मिल जाएगा, और फिर डेप्रिशिएटिंग करेंसीज की हम लोग को देखने को मिल रही। तो बताइए आप क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा इसका आंसर बता दो जरा, ये इसका क्वेश्चन इस टॉपिक में था, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्जेंटीना और चिले ये दो कंट्री आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है साउथ अमेरिका के अंदर, एंडीज माउंटेन है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा ज्योग्राफी के साथ लिंक करते हो चलो सब चीजों को। डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। अब एक स्टडी ये बता रही है कि इंडिया के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल सबसे ज्यादा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के कारण, 90% से भी ज्यादा जो हमारे यहाँ पे जो पॉल्यूटेड जो गैस रिलीज हो रही है उसका रीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना या खत्म करना, राइट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में स्पेशली। इसमें हम प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जैसे एग्जाम्पल आपको क्लिक कर रहे हैं, मेंस में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा या प्रीलिम्स में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको तुरंत रेडी रहनी चाहिए आपकी पूरी चीजें। आगे की बात करें एनर्जी एफिशिएंसी को हम लोग को इंप्रूव करना, एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का मतलब क्या है, ये मेरे ख्याल से दक्षता होता है, इसको ऊर्जा दक्षता बोलते हैं, एफिशिएंसी किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे मैं 1 लीटर पेट्रोल जो है वो डालूं और मेरी गाड़ी जो है वो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर चले, ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, इसको एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। देखो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत में क्या है, स्टेटस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर, कि घर के बाहर ऑडी होनी चाहिए, BMW, Fortuner, मतलब एक घर में चलाने वाला एक और बाहर 4 गाड़ियां, राइट, भोकाल दिखाना सबको यहाँ पर, सही गलत है, गलत है, काफी गलत है, पर्सनली सही है। सर बाकी जो फॉरेन कंट्री ना यूरोप में जो जैसे मेगा सिटी होती है जो जहां ट्रेन ज्यादा होता है वहां पे ट्रांसपोर्ट फ्री होता है,
बात ट्रांसपोर्ट फ्री तो हमारे यहाँ भी वुमेन्स के लिए, दिल्ली चले जाओ, महिला को पैसे नहीं लगते, नहीं सबके लिए फ्री करते हैं वो। भैया दो तीन चीजें देखो आप, वहां की कंट्री के अंदर लोगों की इनकम कम है और इनकम ज्यादा है, वहां की कंट्री के पास टैक्सेस प्रॉपर आता है, हमारे यहाँ पर टैक्स चोरियां होती है, हमारे यहाँ पर अभी भी जो है वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के पास जो है पैसा नहीं पहुंच रहा है, वो पहुंचता भी है तो करप्शन में निकल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं इश्यूज। तो मैं किस बारे में जो है बात कर रहा था, अरे वो तो मुझे पता है टॉपिक उसी का ही है, क्या चीज पूछी थी मैंने, स्टेटस कि हमारे यहाँ पे स्टेटस है, भौकाल दिखाना है सबको, आईएएस ऑफिसर चलेगा तो आगे पीछे 10-15 गाड़ियों का काफिला होना तो जरूरी है ना, है कि नहीं, पर इंटरव्यू में नहीं बोलोगे, इंटरव्यू बोलोगे वी वांट टू प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सभी लोग को बोले। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बोलोगे जो प्लेन से उतरता चलता है कि तुम जाओ बस में जाके बैठो, बोलेगा बस खरीद के अकेला जाऊंगा बस में, ऑब्वियसली। एनीवेज उससे बेटर है, क्योंकि आप किसी के माइंडसेट को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान एक काफी अच्छा अभियान था माइंडसेट चेंज करने का, बट आज भी जब हाईवे में जाते हैं लोगों को सूसू लगती है तो कोई पेट्रोल पंप पे जाके उतर के सूसू नहीं करता है, वही गाड़ी रोकी बहुत कम बहुत कम। आपको तो करना ही पड़ेगा, खुले में मजा ही आ रहा है, वाह पूरी कॉमन मैन वाला माइंडसेट है। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा दो। नेक्स्ट एक्टिव मोबिलिटी का मतलब, एक्टिव मोबिलिटी जैसे मेट्रो हो गई, एक्टिव मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट पूरे दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 25% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया के अंदर है 90% से भी ज्यादा। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंस में आप उपयोग करोगे, ये सब फैक्ट्स होते हैं ना, इससे इसके नोट्स बना लिया करो। अब इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या फायदा होगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का एमिशन जो है वो रिड्यूस होगा, राइट। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जॉब क्रिएट होगी, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इनोवेशन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे महंगा पार्ट है बैटरी, आप देखेंगे राइट, तो सबसे महंगा वो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो उसको बेसिकली सस्ता करने के लिए हम लोग को कुछ ऑल्टरनेटिव पे जाने की जो है वो आवश्यकता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पेट्रोल पंप पे वैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आज के रेट में तो सीएनजी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है, बड़ी दिक्कत आती है, और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है सीएनजी पंप्स में टाइमिंग, बहुत टाइम लगता है गैस को जो है वो डालने में, तो वो टाइम अगर रिड्यूस हो तो फटाफट हो। दिल्ली के अंदर मैं गया था अभी, तो अपनी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई, तो जब दिल्ली में गया था पूरे हाईवे में मतलब मुझे सीएनजी पंप्स बहुत कम मिले, एक तो पहली चीज, तो मैं पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट था, दूसरा जैसे ही दिल्ली के अंदर घुसा मैंने देखा तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। अब आप और उस लाइन में एक बार मैं खड़ा हुआ, आधे घंटे तक खड़ा रहा, तो हार्डली मेरे ख्याल से 500 मीटर ही पड़ी होगी, तो मैंने कहा हटाओ भाई कोई मतलब नहीं है, और लोग खड़े हुए, तो इसको फास्ट करना जो है वो जरूरी, जो एग्जिस्टिंग एटलीस्ट उसको तो फास्ट कर दो। क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर भी करेक्ट नॉर्वे, याद रखना इंटरनेशनल कंट्री नॉर्वे जो है उसने 80% पैसेंजर व्हीकल की सेल जो है वो ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर दी थी 2022 में। ये कंट्री का नाम याद रखना, नॉर्वे कहां पर है, यूरोप में, राइट, नॉर्वे कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, वेरी गुड। अब प्रोजेक्ट क्यू के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव जीआई, इसके बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट क्यू जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सक्सेस बताई जाती है, और इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना जाता है, और जितनी भी रीजनिंग, जैसे ह्यूमन जो है वो रीजनिंग करता है, रीजनिंग का मतलब क्या है, जैसे आप लोग ऑफिसर बनोगे तो आप रीजनिंग करोगे, आपको भी सोचना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया, राइट, या एकदम से दंगे हो गए, तो एक ऑफिसर के लिए बोलते ना कि जब आप, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन भी जो है चला था इंटरव्यू के अंदर कि एक आईएएस ऑफिसर को इतनी फैसिलिटीज क्यों दी जाती है, एक डॉक्टर है वो तो जान बचाता है, बट फिर भी आप आईएएस ऑफिसर को देखेंगे उसको एक बंगलो दिया जा रहा है, उसको एक शेफ मिल रहा है, जैसे आप जब कलेक्टर रहोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा सा बंगलो रहेगा, राइट, भले ये मान चलो कि ये कॉलोनी इतना बड़ा तो आपका बंगला रहेगा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने दो। आपको मिलता है एक शेफ, आपको मिलता है ड्राइवर, आपको मिलता है गेट खोलने वाला, आपको मिलता है डस्टिंग वस्टिंग का सब कुछ, राइट, आपको मिलता है प्रेस, अलग अलग सब अलग अलग लोग हैं, इतना सारा स्टाफ आपके घर के अंदर होगा,
आपको और मिलेगा जब इमरजेंसी हो तो आपको कोई कोट जो है वो पहना दे। सोचो आप कि आप हाथ ऐसे करोगे और आप कोट पहन लोगे, एक व्यक्ति आपकी जूते पहनाएगा आपको, इतनी फैसिलिटी। हाँ माली नहीं, बहुत सारे लोग हैं, सब गाय को तो बेसिक। अब मैं क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा हूँ ऐसा क्यों सर, दो तीन रीजन है बताओ। फर्स्ट के उसके मतलब अपने जो सराउंडिंग थीम है उसमें टेंशन ना हो उसको पर्सनल लाइफ में, हाँ ठीक है। दूसरा करप्ट ना हो क्योंकि उसका टेंशन करप्ट ना हो, हाँ अच्छा करप्ट ना हो इज द नॉट राइट। पहला पहला स्टेटमेंट वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है, सही बोला पहला स्टेटमेंट कि उसको कोई परेशानी ना हो बेसिक चीजों की। पर डॉक्टर तो जान बचा रहा है, कोई मर रहा है तो डॉक्टर के लिए दिक्कत है। डॉक्टर को क्यों नहीं मिल रही है, सरकारी डॉक्टर और एक तरफ आईएएस। सर डॉक्टर को एक ही काम है ना, एक ही काम जाने बचाने तो जान इम्पोर्टेंट है ना, फिर उसको एक ही जान बचानी है, पर एग्जैक्टली। अब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर दंगे हो गए रात में 2 बजे। अब रात में 2 बजे उठकर आप अपनी पैंट तो प्रेस नहीं करोगे, रात में जैसे ही आपका कॉल जाएगा आपका काम होगा पूरी टीम को जो है वो वायरलेस मैसेज शुरू करना। जब तक आप उठोगे आपकी पूरी टीम वहां पर रेडी रहेगी लाइन से कि सर आ रहे हैं। बस आप निकले अपने रूम से, और मैं लिटरली बता रहा हूं अगर आप अपने रूम से निकल में भी निकल रहे हो ना आपको वो टीम पूरी रेडी करके बाहर भेजेगी। मतलब आप वॉक करते रहोगे आपकी चीजें रेडी होती जाएंगी। आयरन मैन सूट नहीं होता, मतलब इतना इस तरीके से रहता है कि सटासट पूरे लोग आपके आजू बाजू की, मतलब आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होना चाहिए कि मुझे दंगों को वहां से रिलीज करना है। तुरंत जो है वो आप अपने वहां के जो डीजी है आईजी है तो उसको जो है वो तुरंत कॉन्टेक्ट जो है वो करोगे कि यार दिस इज द इशू, आप पुलिस की सर्विसेज जो है वहां पर पहुंचाओ, फिर आप हॉस्पिटल हेल्थ की सर्विस पर जो है वो काम करना शुरू कर दोगे। जब तक आप गाड़ी में बैठोगे यू आर रेडी टू गो और आप अपना काम कर ही रहे हो, फिर ड्राइवर अपना काम कर रहे हैं आप अपना काम कर रहे हो, यानी जब तक आप उस लोकेशन तक पहुंचे तब तक आपने पूरा काम कर दिया। तो दैट इज व्हाट आपको इतनी फैसिलिटीज जो है वो दी जाती है। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर, तो यही तो चीज है, अगर ये चीज कंप्यूटर करना शुरू कर दे तो ह्यूमन का रोल बचेगा नहीं, कंप्यूटर करेगा और कंप्यूटर फिर ह्यूमन के ऊपर रूल करने लगेगा। जैसे हमारे पास ब्रेन है, हम शेर को भी ट्रेन कर देते हैं, सर्कस में ले जाते हैं उसको, हालांकि इट इज बैंड नाउ, पर पहले तो आपने देखा होगा कि सर्कस के अंदर शेर वगैरह जो है वो ट्रेन करके चलते थे। लोग डॉल्फिन को ट्रेन कर देते हैं, डॉल्फिन को, सॉरी डॉल्फिन है शार्क है, डॉल्फिन भी है, उसको स्पाई बना के भेजते थे रशिया, डॉल्फिन डॉल्फिन ना डॉल्फिन बहुत फ्रेंडली होती है, उसको जासूस बना के भेज रहे हैं। सोचो आप कि जा जासूसी करके, आप सोचिए आप, अब हम अपना दिमाग कितना तेज है कि हम जानवर तक को वो चीज कर रहे हैं। अब एआई के सामने हम कौन है, जानवर, और एआई हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देगा। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और प्रोजेक्ट क्यू जो है वो यही चीज लेकर आ गया हमारे लिए प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट क्यू ने बढ़ा दी, बोलता अभी बोलता प्रोजेक्ट क्यू, इसलिए तो वो मार्स में जाने की प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ पे साला कबाड़ा हो तो मैं मार्स पहुंच जाऊं, बट वो भी साले उड़ के आ जाएंगे मार्स। प्रॉब्लम ये है उनको तो ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। तो प्रोजेक्ट क्यू जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर के लिए जाना जा रहा है और एडवांस रीजनिंग के लिए जाना जा रहा है, सिमिलर टू ह्यूमंस राइट। प्रॉब्लम यही है ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, फोकस किया गया डीप लर्निंग कैपेबिलिटीज के ऊपर। अब देखो साइंटिफिक प्रोग्रेस तो एक्सेलरेट हो ही जाएगा क्योंकि वो साइंटिफिकली सब कुछ बहुत फास्ट कर देगा, बहुत तेजी से करेगा, इनोवेशन बहुत तेजी से होंगे, बट इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होगा। किस प्रकार से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डिफरेंट है जनरेटिव एआई से, अब ये चीज आप ध्यान रखना, दो चीजें होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा जनरेटिव एआई। तो देखो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आप कर रहे हो जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन, जनरल इंटेलिजेंस ही है ये राइट, तो जिसमें सब कुछ कवर्ड है, जिसमें आप अपना दिमाग भी चला रहे हो, आपको आप सीख रहे हो और सीखने के बाद जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप इतना ट्रेन हो चुके होगे कि आप फील्ड में अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हो, दैट मीन्स ऑटोमेशन। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहा है कि एक ऐसा एआई जिसके पास ह्यूमन जैसी कैपेबिलिटीज है, और जनरेटिव एआई, जनरेटिव नाम सुन रहा है, जनरेट कर रहा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है डाली गई है तो उसी से वो कोई ना कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जनरल इंटेलिजेंस फोकस करता है कंटेंट प्रोड्यूस करने के ऊपर, एल्गोरिथम और मॉडल के ऊपर बेस्ड, जैसे चैट जीपीटी, आपने उसको कुछ दिया तो वो उसके आधार पर जहां से भी डेटा कलेक्ट करेगा और वो आपको दे देगा। तो ये चीज हम लोग को जनरेटिव एआई में देखेंगे। तो खतरनाक कौन सा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस खतरनाक है, एजीआई खतरनाक है। किस प्रकार से एजीआई प्रोजेक्ट क्यू में जो है वो काम करेगा, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, साइंटिफिक रिसर्च को एनहांस कर देगा, तो ये सब चीजें।
नेक्स्ट एथिकल डिलेमा क्या है, तो सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, फायदे भी है, साइंटिफिक प्रोग्रेस एक्सेलरेट हो जाएगा, बट इतना ज्यादा एक्सेलरेट ना हो कि दिक्कत होना शुरू हो जाए। एनीवेज क्वेश्चन का आंसर बताओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ए ए ब्रॉड इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई का क्या फोकस है, चैट जीपीटी मुझे कंटेंट देता है, मैं चैट जीपीटी को एल्गोरिथम देता हूं तो वो जनरेट करके मुझे क्या देता है, कंटेंट देता है। आंसर इज बी, प्रोड्यूसिंग कंटेंट। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन, सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड लाइन से पढ़ो, जनरेटिव एआई फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग कंटेंट, यही तो प्रॉब्लम है, अभी के भी पढ़ा और अभी के भी आंसर नहीं दे पा रहे, तो एग्जाम एक साल बाद होगा, तो सोचो, इसीलिए तो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ग्रीस और यूके, यूरोपियन कंट्रीज दोनों के बीच में भी एक मुद्दे को लेकर इशू चल रहा है, और मुद्दा जो है इस मूर्ति का है। अब ये मूर्ति का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये मूर्ति अभी ब्रिटेन के म्यूजियम में है, इसको पार्थेनॉन स्कल्पचर कहेंगे, पार्थेनॉन मूर्ति, जिसको हम लोग एल्गिन मार्बल्स भी जो है वो कहते हैं। तो ये मूर्ति ग्रीस की थी जिसको रख ली ब्रिटेन ने, अब सिंपल ये चीज है, ब्रिटेन ग्रीस जो है ये बोल रहा है कि ब्रिटेन ने चुराई है, बट ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस ने हालांकि परमिशन जो है वो ले ली और बोल रहा है कि आप जो है वो उसको रिटर्न कर दो, राइट। तो दो चीजें हम लोग को इसकी देखने को जो है वो मिल रही है। छोड़ दो भाई, अपने ऐसे भी टीपू सुल्तान की बहुत सारी चीजें ले गया, न जाने कितनी सारी चीजें ले गया, कोहिनूर डायमंड बहुत सारे थे। पार्थेनॉन स्कल्पचर जिसको एल्गिन मार्बल्स जो है वो कहते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, ग्रीस जो है वो लगातार बोल रहा है कि भाई दे दो हमें ये, क्यों रख के रखा है, इसका ओरिजिन एथेंस में हुआ था, फिर इसको हटाया था हालांकि थॉमस ब्रूस ने, जो सातवां अर्ल ऑफ एल्गिन था, यानी कि राजा था एक प्रकार से, एक पोस्ट होती है, और अर्ली 19th सेंचुरी में, और करेंटली जो है ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, और ऑल्टरनेटिव नेम इसका एल्गिन मार्बल से, जो मैंने भी आपको बताया, और लॉर्ड एल्गिन जो है उसने परमिशन ले ली थी ऑटोमन एम्पायर से कि इसको हटाओ, और ग्रीस जो है वो बोल रहा है कि ब्रिटेन ने इसके ऊपर इसकी चोरी करी है। और पार्थेनॉन स्कल्पचर जो है ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसमें लिखा नहीं हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया। आपने हिस्ट्री की किताबों में देखा होगा मैन द हंटर, है ना, हमेशा मैन मतलब कि जेंडर वाइसनेस। तो अभी एक रिसर्च जो है वो सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई वुमेन को आप जो है मान नहीं रहे हो, कि पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि जो स्टोन एज हुआ करता था, जिसको हम लोग जो है वो पुरापाषाण काल जो है वो कहते थे, तो स्टोन एज के समय पर आप महिलाओं को बोल रहे हो कि भाई महिला हंटर नहीं थी, बिल्कुल थी, तो ये बोल रहे हैं महिला भी हंटर थी, क्या वो कुछ पूछना है? अरे यार पढ़ाई कर लो पहले, फिर आदिमानव आदिमानव बाद में करना। थ्योरी जो है वो 1960s में सामने आई, और इसमें हम लोग को देखने को मिला कि किस प्रकार से हंटिंग जो है वो एवोल्यूशन में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब एक एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन होता है मेल फीमेल दोनों में, बट फीमेल में ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली एक्टिविटी को एनहेंस करता है, मतलब जो हम लोग रनिंग करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो हार्मोन एस्ट्रोजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फीमेल्स में ज्यादा होता है। तो ये थ्योरी ये बोल रही है कि ये कहना गलत है कि फीमेल्स आर नॉट केपेबल, राइट, कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब इस चीज का आप उपयोग कर सकते हो मिलिट्री वाली फील्ड में, यूपीएससी इज ऑल अबाउट लिंकिंग, कि मिलिट्री के अंदर परमानेंट कमीशन में महिलाओं को शामिल करने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मिलिट्री के अंदर महिलाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब मैं कोलार क्लास में पढ़ाता था तो एक और थे जिन्होंने 3-4 और मेंस वगैरह जो है वो दे रखा था, और वो मुझे नहीं पता था, मेरे पास पढ़ने आए हुए थे और वो ऑलरेडी पहले पढ़ाते भी थे कहीं पर, मतलब 2-3 जगह, तो वो क्लास में आए, फिर मैंने एक गेस्ट फैकल्टी को जब बुलाया था तो उनने मुझे बताया कि यार ये यहाँ क्या कर रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता सर पढ़ने आए थे, तो ये तो खुद पढ़ाता है, मेरे पता नहीं, मेरे पास तो पढ़ने आए हैं। तो उस उन्होंने जब मेरे साथ जब उनकी बहस हुई थी इसी चीज को लेकर, जैसे मैंने बोला था कि वुमेन्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे वुमेन्स को, तो उसने बोला नहीं सर हम आपको नहीं पता सर मिलिट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी महिला वहां पे जाए और उनके साथ गलत चीज जो है वो, पहली चीज एवरीवन हैज द राइट टू चूज, क्या आप चूज कर सकते हो। दूसरी चीज चंद्रगुप्त मौर्य जानते हो, उनके हाँ उनके पास बॉडीगार्ड्स कौन थी, महिला थी, महिलाएं बॉडीगार्ड्स थी, राइट। थर्ड हमारी यहाँ की महिला लीडर, हमें आजादियां दिलवाई है महिलाओं के कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू, हमें आजादियां मिली है,
एज अ ब्यूरोक्रेट आपको जेंडर बायस नहीं होना है। जैसे ही आपने ये इंटरव्यू में आपका पर्सनल ओपिनियन जो भी होता है, लोगों का तो पर्सनल ओपिनियन ये भी होता है कि दहेज लेना हमें पसंद है, हमारी घर की प्रथा दहेज लेना ऐसी की तैसी, हम तो लेंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि वो चीज आपके बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, देखो बोर्ड आपको कब सेलेक्ट करेगा, देखो आपको देखेगा कि आपके सामने अगर मेल आ रहा है और फीमेल आ रहा है और आप उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे। अब परमानेंट कमीशन महिलाओं को जो नहीं दिया गया है, ये रीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये रीजन मिनिस्ट्री की तरफ से ये रीजन आया है कि महिला केपेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। आप नहीं कह सकते कि महिला केपेबल नहीं है, अब आप इस चीज को सपोर्ट करोगे एस्ट्रोजन से। उन्होंने ये सब चीजें उससे बोली, बहुत देर तक बहस चली थी। मेरे कहा ऐसा नहीं है, मेरे कहा देखो मेरा काम होगा आपको ये चीज बताना, मैं इसलिए क्लियर करता हूं कि मेरा काम है सिर्फ इतना बताना कि आप अपना सिलेक्शन लो, ये चीज करके सिलेक्शन लो। फिर मैं ये भी बोलता हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि भाई आपका ओपिनियन पर्सन जो भी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जहां पर सिलेक्शन कर, फिर उसका जो करना है करो। होगा ना, होगा, हो गया। अरे वही मतलब, तो आगे की बात करें, स्टडी जो है वो बरियल रिमेन्स की जो है वो एग्जामिन कर रही है, जांच जो है वो कर रही है बरियल रिमेन्स को, और जांच के दौरान नियंडरथल्स की जांच करी और उसमें ये पाया गया कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं था मेल और फीमेल के अंदर, राइट, यानी कि इंजरीज भी सिमिलर ही थी, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, दैट मींस कि वो भी हंटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। फिर 10,000 साल पहले सोसाइटीज के अंदर चेंजेस आए तो महिलाओं को दबाना शुरू कर दिया गया। अरे 10,000 साल तो उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया, हमने जो है वो वैदिक पीरियड में जो है वो देखना शुरू कर दिया था, ऋग्वेदिक पीरियड में तो महिला के साथ कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो उसके बाद होना जाना शुरू कर दिया। एनीवेज क्वेश्चन आंसर बताइए, एस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, छुट्टी का वेट कर रहे थे, दूती है चलो, जय हिंद एवरीवन।